नमस्कार। सो काकली न्यूज़ मीडिया में मैं मविना सेठ। जैसे कि हमें पता है कि भारत में लॉकडाउन लागू हो चुका है और जो हमारे भाई जो मजदूर भाई है उनको आज खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो रोज़गार है तो पैसे नहीं है खाना खरीदने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ वार्ड नंबर 92 भारत नगर बैंडराई क्षेत्र में, जहाँ पर कई ऐसे हमारे जो भाई है श्रमिक और मजदूर भाई है आज उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। बाकी नगर सेविका उल्लास सालिम कुरैशी जी, जो AIMM की नगर सेविका है, उनके और उनकी टीम के द्वारा आज ऐसे सभी हमारे जो मजदूर भाई है उन तक अनाज पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वार्ड नंबर 92 में एक उदाहरण सामने आया है, एक स्पष्ट एक सतर्क नमूना एक उदाहरण यह है कि जो हमारे भाई हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो सबको एक ही तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वहाँ के जो लीडर है हाजी सालिम कुरैशी जी और उनकी टीम दोनों सभी लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के हर घर में वार्ड नंबर 92 के हर घर तक अनाज पहुंचाने का वो कार्य कर रहे हैं। जैसे कि भारत के स्तर पर बड़े स्तर पर हम देखते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े राजनेता है बड़े बड़े पक्ष हैं आज वो देश में विभाजन डालने का कार्य कर रहे हैं, परंतु तभी हम भारत के छोटे छोटे गलियों से गुजरते हैं एक स्पष्ट उदाहरण भाईचारा का हमें देखने को प्राप्त हो रहा है और वार्ड नंबर 92 ये स्पष्ट उदाहरण है। कुछ तस्वीरें कुछ वीडियोस हमारे पास हैं, हम आपके साथ साझा करते हैं। हा नारायण राठोड आणि हा रामू चव्हाण आम्ही तिघे जण संत ज्ञानेश्वर नगर येथे राहत असून स्थानिक नगरसेवका गुलनाथ सालिम कुरैशी आणि सालिम कुरैशी यांच्यातर्फे व फिरोज खान यांच्यातर्फे आम्हाला या कोरोनाच्या काळामध्ये MIMचे नगरसेवक यांनी भरपूर मदत केली आणि अजून करत आहेत, त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी मानतो। धन्यवाद। फोटो मारो राशन वाटण्यात येत आहे, तरी पण संत ज्ञानेश्वर नगर यांच्यातर्फे त्यांचे हार्दिक आभार। मी नारायण राठोड राजीव नगर मध्ये 3 नंबर गल्ली मध्ये राहतात। त्याच्यासाठी राशनासाठी ते सलीम भाईला आम्हाला मदत केली, त्याच्यासाठी ते हार्दिक धन्यवाद देतो।